नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। पश्चिमी सिंहभूम में भी भव्य तरीके से यह अभियान मनाया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समाहरण नाले सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुधीर कुमार, जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को आगामी 12, 13 एवं 14 अगस्त को जिले के सभी विद्यालय में चित्रांकन प्रतियोगिता, साथ ही साथ क्विज कंपटीशन, डिबेट्स, स्लोगन कंपटीशन आदि के आयोजन कराने को लेकर निर्देशित किया गया है, ताकि बच्चों के माध्यम से घर घर तक कार्यक्रम की जानकारी दी जा सके। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग के माध्यम से जिले को 1,00,000 पीस झंडा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे सेविका सहायिका के माध्यम से घरों में वितरित करवाया जाएगा, जिससे जिलेवासी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगे का ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। उपायुक्त ने कहा कि कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में आगामी 12 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा 13 अगस्त को प्रातः में रैली तथा संध्या में फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त के द्वारा जिलावासियों से अपील की गई है कि आप सभी आगामी दिवसों में आयोजित हो रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को मनाएं। तिरंगा को कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा अधीक्षक को डायरेक्शन दिया गया है कि 12, 13 और 14 तारीख को सभी स्कूल्स में पेंटिंग कंपटीशन, साथ ही साथ अदर कंपटीशन सच एज डिबेट और स्लोगन कंपटीशन इत्यादि वो लोग कराएंगे, ताकि घर घर में बच्चों से वो जानकारी फैल सके। साथ ही साथ हम लोग को विभाग के द्वारा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा 1,00,000 झंडा अवेलेबल करवाया जा रहा है। उसको हम लोग सेविका और सहायिका के माध्यम से घर घर में बंटवाएंगे, ताकि सभी लोग जो है अपने घरों पर झंडा लगाकर हर घर तिरंगा कैंपेन को सफल बनाने में हमारा मदद कर सके। साथ ही साथ कल्चर डिपार्टमेंट से डायरेक्शन आया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, जिसको 12 तारीख को किया जाएगा और 13 तारीख को एक मॉर्निंग में रैली और 13 तारीख को ही इवनिंग में एक फुटबॉल मैच भी कराया जाएगा, ताकि हर घर तिरंगा से संबंधित प्रचार प्रसार किया जा सके। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चाईबासा के लोगों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। चाईबासा के मुख्य डाकघर में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा झंडा खरीदने पहुंच रहे हैं। 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चाईबासा डाकघर से 11,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा बिक चुका है, जबकि अभी 5 दिन का समय बाकी है। पोस्ट ऑफिस में 25 रुपये प्रति पीस के हिसाब से तिरंगा झंडा की बिक्री हो रही है। लोग कतार लगाकर झंडा खरीद रहे हैं। हर व्यक्ति खुद को तिरंगा यात्रा में शामिल रखना चाहता है। पोस्ट मास्टर बताते हैं कि अभी कई हजार तिरंगा झंडा की मांग है। कई ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा 2,000 पीस झंडा खरीदा गया है। सोमवार दोपहर तक 11,000 पीस तिरंगा झंडा बेचा जा चुका है। लोगों की मांग को देखते हुए और झंडा मंगाया जा रहा है।
अभी तक हमारे डाकघर में तिरंगा के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है। लगभग हम 10 दिन से हमारे पास हमारे झंडे सब अप्लाई भी हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग ऑनलाइन से और ऐसे भी हमारे काउंटर में भी आके इसका झंडे का विक्रय हो रहा है। जैसे जैसे लोगों की मांग हो रही है हम उसको पूर्ति भी कर रहे हैं। झंडे सिर्फ अभी तक आज तक हमारे चाईबासा डाकघर से लगभग 11,000 झंडे हम अभी तक बेच चुके हैं और इतने ही झंडे का मांग भी है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए, हर शैक्षणिक संस्थान, हर घर, हर प्रति व्यक्ति इसमें अपना भागीदारी करे और तिरंगा हम सबको राष्ट्र की भावना को बढ़ाता है और सबको जोड़ता है। युवा कांग्रेस ने आज महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शहीद पार्क चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकेरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रीतम बांकेरा ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसके नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को हटाने के नाम पर देश की जनता से वोट मांगा और अब भाजपा के राज में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी से देश के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इतने ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार बात करने से कतरा रही है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता का हाल बेहाल है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ की 174 बटालियन के द्वारा बाइक रैली निकालकर लोगों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया गया। सीआरपीएफ 174 बटालियन समवाय कलिया पोस के द्वारा अपने एओआर में नव प्राथमिक विद्यालय रायबेड़ा सागजोड़ी, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय छोटा सागजोड़ी, प्लस टू उच्च विद्यालय रेड़ा और उत्क्रमित मध्य विद्यालय सागजोड़ी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत लोगों को प्रेरित किया गया। बटालियन के पदाधिकारियों और जवानों ने बाइक रैली के माध्यम से ग्रामवासियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपने गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान गांव के युवा, बुजुर्ग, महिला और बच्चे शामिल थे। नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला झामुमो की ओर से झारखंड के अग्रणी नेता वीर शहीद निर्मल महतो को याद किया गया। इस अवसर पर लाल किला टुंगरी में झामुमो कार्यकर्ताओं ने निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर में उनकी हत्या ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया था। उनके शहादत के बाद ही झामुमो को पहली बार राष्ट्रीय पहचान मिला। झारखंड में उनके अमूल्य योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है।
9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी है और मुहर्रम भी। दोनों ही कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी की गई है। ऐसे में विधि व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से पूर्व संध्या पर आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाइक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो के नेतृत्व में सदर थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया। सदर थाना से निकलकर फ्लैग मार्च बड़ी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में होते हुए वापस लौटा। SDPO दिलीप खलखो ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम और मुहर्रम का पर्व मनाया जा सके, इसके लिए हमारी ओर से पूरी तैयारी है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। सादे लिबास में भी पुलिस के जवान निगरानी करते रहेंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि माहौल को बिगाड़ने की कोई कोशिश ना कर सके, इसके लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम के मद्देनज़र हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए निर्देशानुसार हम लोग अभी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और कल की तैयारी हमारी है। सभी सब संवेदनशीलों में हमारे पास पुलिस प्रतिनियुक्त रहेंगे और हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक्स्ट्रा अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी डिप्रेशन की गई है और जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे और सादे ड्रेस में भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं। कोई भी अप्रिय मतलब अगर इस तरह का होती है तो हम लोग उस पर निगरानी रख रहे हैं और उस तरह का सभी सख्त से सख्त उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार का अफवाह अगर फैलाता है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कुल्हान हेल्पिंग हैंड एवं कुल्हान हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में सदर अस्पताल परिसर में वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने किया। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए रक्तदाताओं ने 62 यूनिट रक्तदान किया। जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि रक्त को किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए हम सबको रक्तदान करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान करने वालों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। शिक्षाविद प्रधान बिरवा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। भारत की 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर गांव में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफलता के लिए टेकरा हाथू पंचायत की मुखिया चांदमुनी कालुंडिया ने स्कूली बच्चों के साथ बड़ा खूंटा गांव में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।